8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा, मैं तो नवाज शरीफ का बंदा हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਂਗੇ? ਨੋਨ ਲੀਗ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਵੋਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਲੀਗ ਕੋ ਦੂੰਗਾ। ਵੀ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, आज मैं NA 122 में मौजूद हूं, जो कि ख्वाजा साद रफ़ी का हलका है। इस NA को 4 PP लगती हैं, एक PP 155, एक PP 156, एक PP 157 और एक PP 170। तो आइए इस हलके की आवाम के पास जाकर पूछते हैं कि आइंदा इलेक्शन में आवाम किसको सपोर्ट करेगी। आइए इस हलके की आवाम के पास जाकर पूछते हैं कि आइंदा इलेक्शन में आवाम किसके साथ करी है। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं, 8 फरवरी तारीख भी दी गई है, तो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? भाईजान, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा, मैं तो नवाज शरीफ का बंदा हूँ, उनका नुमाइंदा हूँ। हमने हमेशा 50 साल से नवाज शरीफ का ही साथ दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा नवाज शरीफ का साथ देंगे। आपकी नज़र में कौन कौन से तरक्याती काम हुए? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो आप देखें, वाल्टन रोड ही था हमारा यहाँ पे, जो कि इतना परे मुश्किल हालात थे, जिसके अंदर 32 अरब रुपए का ही काम हो रहा है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की वजह से हो रहा है। और उसके बाद आप देखें, जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं मुल्क में, मुल्क तरक्की करता है, मोटरवे बनती हैं, सी पैक बनता है, हॉस्पिटल बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, कौन सी चीज़ जो नहीं बनती। ये पिछला जो 4 साल गुजरे हैं, इसके अंदर इमरान खान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और लड़ने के बाद देखें आप, एक दफ़ा गुस्सा नहीं यहाँ पे उसने, ये आगे आवाम के हालात नहीं पूछे कि आपकी किस हालत में जिंदा है या नहीं है। बिलावल भुट्टो का आपने वो बयान सुना होगा कि बाबियाँ दी ये हुकूमत जो है वो नहीं हूँ चलनी, जवान बंदियों ने अगे लैके आओ। आपको लगता है कि यंग जनरेशन आपके साथ है इस हलके की, खास करके? इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी, जो काम कर रहे हैं तो बड़ों के भी छोटों के भी सारों के काम हो रहे हैं, तो हो गए ज़रूर। उन्होंने स्कूल बनाए बच्चों के लिए, सारा कुछ किया है, कॉलेज बनाए हमारे लिए, और तो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगे तो हम कह देंगे ना। वोट आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए? नवाज शरीफ का जी, इंशा नून लीग का। ताड़ा वोट किंदे वास्ते है? नवाज शरीफ। कोई खास वजह? खास वजह नवाज शरीफ की अलग, पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं आ सकता, ना बन सकता ना बनेगा। वो मुल्क को इसने संभाल के रखा हुआ था, हर चीज़ उसी ने किया हुआ है, अगर उसी के खिलाफ जो चलेगा वो गद्दार ही होगा। वोट किसको देंगे? नून लीग। कोई खास वजह? सर देखें, आपके सामने है कि आप तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान में 35 साल जो हुकूमत रही है, एस्टेब्लिशमेंट की रही है, उसमें मेरे ख्याल टोटल जो नवाज शरीफ की मेरे ख्याल 8 से 10 साल बनती है मिला के। ओवरऑल आप पाकिस्तान की तरक्की देख लें, मोटरवे देख लें, बिजली के प्रोजेक्ट देख लें, कुछ भी हो जाए, वोट आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है। चौथी बार वजीर आजम बनता भी देख रहे हैं। शेर सर, वोट किनू दे रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान। क्यों? इमरान खान अच्छा लीडर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इमरान खान, चोर तो नहीं है। तो कह रहे हैं नवाज शरीफ को तो उसने मोटरवे बनाई है, सारा कुछ दिया है। मोटरवे बनाई है तो क्या किया, अपनी जात के लिए बनाया ने। इमरान खान ने शोर पैदा किया नौजवानों के अंदर, लोगों को बताया सियासत क्या होती है, करप्शन क्या होती है। इमरान खान इज ग्रेट लीडर। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI हाफिज फरहत अब्बास। क्यों? एक अच्छा लीडर है, अजीम लीडर है। आपका वोट? हमारा भी PTI को। हम खान साहब से वैसे मोहब्बत करते हैं। आपका वोट? PTI को। बड़ी वैसे बात है, एक ही जगह पे तीनों एक ही मौका रखा हुआ है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट मैं तो नून लीग को दूंगा। अभी नून लीग को देंगे, उसकी खास वजह क्या? खास वजह आज तक काम ही नून लीग ने किया, बाकी तो किसी ने किया नहीं। आपका वोट किसके लिए? खान का। खान का एक ही दुकान में है, जमहूरियत है, नून लीग PTI फटाना पै जाए बाद। नहीं, जमहूरियत जमहूरियत में फटा है, सब PTI है। इमरान खान। सर आपका? इमरान खान। बात है, जो मालिक है वो नून लीग और बकाया जो है वो कह रहे हैं इमरान खान। वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। खास कोई वजह? बस अड्डा यार, अड्डा साढ़ा प्यार करते ना ये, वो तो वैसे भी नवाज शरीफ ना ही छोड़ अड्डा किसी और हो फिर होर भी हो फिर भी वोट नवाज शरीफ है। वोट आपका नवाज शरीफ की? नवाज शरीफ। ख्वाजा साद रफ़ीक, यासीन सोल। कोई खास वजह? ये अच्छे काम करवाते हैं इलाके के, ये नाला ख़त्म हो रहा है, ये महल्ले के काम करवा रहे हैं। हाँ जी। आपका वोट किसके लिए? हमारा भी शेर के लिए है। वजह क्या है? तरक्याती काम हो रहे हैं इधर इसलिए? भाई जान ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसने काम करना है उसने खाना भी है। अच्छा। यहाँ से कमा के खाना है, ठीक है। वोट इनका भी नोटी के लिए है। मेरे साथ इलाके के कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती नून लीग के साथ हैं। नून लीग के साथ हैं जद्दी पुश्ती, उसकी कोई खास वजह क्या? बस वो इंसान को अच्छा पता चलता है ना कि ये अच्छा ही करता है, कोई बुराई करता है,
पीपल पार्टी को भी पहले आजमाया, पीपल पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन नहीं पोटी भी आई है। चार साल पीटीआई ने हमें जो नुकसान पहुँचाया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, हमें नहीं पता। हमें नून लीग पसंद है कि हम काम करते हैं, हमारा रोजगार चलता है, सबसे पहले कि हमारा रोजगार चलता है। आपका वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों? मतलब वो नर्म आदमी है, मतलब मर्द आदमी है। अच्छा, हाँ जी। पीटीआई को वोट दोगे? क्यों ना, पीटीआई। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? सर वोट तो पीटीआई का वोट है। क्यों, कोई खास वजह? जो पीटीआई जब हुकूमत थी उस टाइम हुकूमत भी स्टेबल थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी और मुल्क तरक्की पे जा रहा था, लेकिन अब तो मुल्क बहुत पीछे आ गया बहुत ज़्यादा। आपका वोट किसके लिए है और क्यों? इमरान खान के लिए। इमरान खान एक अच्छा लीडर है। किसको वोट दे रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वोट इमरान खान का, जान अल्लाह ताला की, और इसके अलावा तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। एतमाद क्यों, क्या वजह है? कि जिसने की अल्लाह के महबूब से मोहब्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दुनिया उसके लिए ही खुद इज्जत बनाएगी। किसको वोट दे रहे हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं? तरीके लब्बा को वोट देना पसंद करूँगा मैं। आपका वोट किसके लिए? एमएलएन को। खास वजह? काम किए हैं उन्होंने, काम देके चल रहे हैं उनके, इस वजह से। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, तवक्कात रखते हैं उन पर? हाँ बिल्कुल। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को ही देने जा रहे हैं। क्यों, कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए, लेकिन जो नज़र इनकी चल रही है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा बेहतरी का। उनके आने से उम्मीद है कि बेहतरी आ सकती है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, डेट भी सामने आ गई है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को क्यों? नून लीग हमारे पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इन्होंने आज तक हमेशा तरक्की के लिए काम किया है, ठीक है। तो आप मुल्की हालात देख लें क्या हो गए इस सुबह, इस इलाके में बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? सीवरेज का काम हो रहा है सारा, अंदर सड़कें तमीर हो रही हैं, पानी का हो रहा है, गैस का मामला था इस इलाके का बहुत बड़ा, वो उन्होंने सोल्व करवाया ख्वाजा सार रफी साहब ने। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ को क्यों? तरीके इंसाफ का ईमानदार आदमी है इमरान खान। दोस्त आपका नून लीग को, आप पीटीआई को लड़ाई? उसका अपना फेल, हमारा अपना है। तो ईमानदार आदमी इमरान खान, उसको वोट देंगे। वोट किसको दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को सर किन वोट दोगे? जी हम जो है ना पीटीआई को वोट देंगे। वोट किन्नू दोगे? वोट पीटीआई को। क्यों? हैं, क्योंकि उसने बताया है कि कौन कौन गद्दार है। आपका पीटीआई के लिए? पीटीआई इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किन्नू दोगे? केरा बंदा ताड़ियाँ उम्मीदा तो पूरा उतर रहा है? कोई भी नहीं। इतनी महंगाई कदे नहीं हुई सी जितनी होना है, इन्हों पाकिस्तान चलाना आया ही नहीं है। किसको दे रहे हैं? मुस्लिम नून को। मुस्लिम लीग को, नून को क्यों? नून बस मेरी अपनी पार्टी। नून लीग को वोट दे रहे हैं जी। सर किसको वोट दे रहे हैं? हम अभी फिलहाल तो किसी को नहीं दे रहे। तरीके लब्बैक। आपका वोट किसके लिए है, किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को दे रहे हैं जी। सर किन्नू वोट दोगे? शेयर को। कोई खास वजह? वजह की उनके काम दौर से कारोबार खोली जाता और की। अच्छा। हाँ उन्हें उसका ना की हाल है, रोटी तो तंग हो गए। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्यों? बस वो अच्छा इंसान है, बस इसलिए चोरों जैसा नहीं है बस। हाँ जी। आपका वोट किसके लिए? खान का। वोट खान का नहीं, क्यों वाली तो बात ही कोई नहीं ना हमारे लिए, क्यों पूछना भी जोन सर ना नहीं बनता, वोट खान का। अब कैसे लगता है जैसे जब तक जान में जान है ना खान, वोट खान का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस हलके की आवाम की राय सुनी कि आइंदा इलेक्शन में आवाम किसके साथ खड़ी है, किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट देगी, और साथ में आपने ये भी देखा कि इस हलके में ख्वाजा साद रफीक ने तरक्याती बहुत से काम किए हैं, बहुत से तरक्याती मंसूबे भी साइन किए हैं। लेकिन मैं आपको इधर एक बात बताता चलूं कि सर्वे जो भी होते हैं ये गैर हतमी होते हैं, क्योंकि फैसला तो होगा और इस चीज़ का फैसला 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है।